जैसा कि आप सभी जानते हैं 29 अक्टूबर 2021 को कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता प्रीत राजकुमार की बेंगलुरु में मृत्यु हो गई थी। ये साउथ इंडस्ट्री के नंबर वन अभिनेता में से एक थे जिन्हें दर्शक काफी ज्यादा पसंद किया करते थे। बता दें कार्डियक अटैक आने की वजह से इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी थीं, जिसमें राजकुमार और पावर जैसी फिल्में शामिल हैं। अपनी फिल्मों में एक्टिंग और दमदार डायलॉगबाजी की वजह से ये आज भी लाखों करोड़ों दर्शकों के दिलों पर छाए हुए हैं। लोग इनकी फिल्मों को देखकर आज भी इन्हें खूब याद करते हैं। बता दें पुनीत राजकुमार अपने फिल्मी करियर के अलावा भी सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं, जहां इन्होंने अपने पिता के सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ते हुए 45 फ्री स्कूल, 26 अनाथालय, 19 गौशालय और 16 ओल्ड एज होम की स्थापना की थी, जिससे वो लाखों लोगों की मदद किया करते थे। और इन्होंने 1800 स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी भी ली थी, जिनका खाना पीना रहना सारा खर्चा पुनीत राजकुमार ही उठाया करते थे। और ये अपने हर एक काम को काफी शिद्दत से किया करते थे, जिससे कई लोग इनकी प्रशंसा भी करते थे। लेकिन इनके 29 अक्टूबर को हुए इनके निधन के बाद सवाल ये था कि अब उनके 1800 बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा। बता दें उनके सबसे अच्छे दोस्त जो एक एक्टर के साथ प्रोड्यूसर भी हैं, अभिनेता विशाल ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी, जहां उन्होंने पुनीत को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मैं 1800 बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी लेता हूं, और अब विशाल ही है जो उन 1800 बच्चों को पुनीत के जाने के बाद संभालेंगे। बता दें विशाल साउथ इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेताओं में से एक हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसमें यह अम्बाला, एक्शन और मैं हूँ रक्षक जैसी कई सुपरहिट फिल्में देकर दर्शकों के दिलों पर छाए रहते हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और ये पुनीत राजकुमार के सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। और इन्होंने अपने दोस्त के जाने के बाद भी कुछ ऐसी बातें भी कही जिसे सुन सभी का दिल सहम गया था। विशाल ने कहा, पुनीत राजकुमार न सिर्फ एक अच्छे अभिनेता थे बल्कि एक अच्छे दोस्त भी थे, और उनका जाना इस दुनिया से सिर्फ फिल्म जगत के लिए ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए ये बहुत बुरी खबर है। मैं हमेशा उन्हें याद करूंगा और उनसे जुड़ी हर एक चीजों का ख्याल रखूंगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में हर एक काम अच्छे किए हैं। शायद इस दुनिया में कोई इंसान होगा जिनसे उनको शिकायत होगी, और ऐसी सिचुएशन में 1800 बच्चों की जिम्मेदारी लेना मेरे लिए काफी सौभाग्यशाली होगा। वेल दोस्तों, अभिनेता विशाल के इस उठाए गए कदम पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।